हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल देव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये डिस्प्ले में अगर आपको मशीन चालू हो रही है फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वही मैं आपको बताने वाला। मैंने ये खोल के ही रखा है और मैंने देखा, ये देखो मैं मशीन चालू कर रहा हूँ, इधर लाइट आ रही है लेकिन यहाँ पर कोई डिस्प्ले या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखो मशीन भी चालू हो रही है, आवाज़ आ रही है, प्रिंट भी निकल रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। और ये बात ध्यान रखना कि मशीन चालू होनी चाहिए, नहीं तो फिर डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं है या कुछ मदरबोर्ड या फायरबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले ये देख लेना, लाइट आ रही है, मशीन चालू हो रही है, रोटेशन रह रही है, फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रही है तो क्या करना है, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पावर नहीं आ रहा है इसमें क्या होता है, ये पावर की है सर्किट, इसके हिसाब से पावर होता है। ये डिस्प्ले का है जो लिखा हुआ सब आता है, वो इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले ये चेक कीजिए। अगर लाइट नहीं आ रही है तो ये चेक कीजिए, इससे ही हो जाएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो इसका डिस्प्ले या फिर ये सर्किट चेंज करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ। और 6570507528 70 ये सब की डिस्प्ले सेम ही आती है, पैनल यूनिट, तो आप एक दूसरे का भी सर्किट चेंज करके देख सकते हैं। ये अभी सर्किट में चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए ये अभी मैंने निकाला है, ये दूसरा डाल रहा हूँ अभी। ज़्यादातर ये लाइट ना आने पर ये सर्किट से हो जाता है। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्प्ले भी चेंज करके एक बार देख सकते हो। अभी हम सब चेक कर रहे हैं, बाद में फिटिंग भी कर देंगे। मशीन अभी देखो यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्ले आ गई है। तो ये ज़्यादातर यही सर्किट से प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले इसको ही चेंज करके देखें अगर पावर नहीं आ रही है। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप अंदर का डिस्प्ले और वो सर्किट चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया पावर नहीं आने पर क्या सर्किट, कौन सी सर्किट चेंज करनी चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। और आपके पास कौन सी मशीन है वो भी आप कमेंट करें। थैंक यू।